हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोई भी पीसीस कहाँ पर लोकेट है वो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये पीस यहाँ पर लोकेट है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास अल्फाबेटिकल नंबर है ए बी सी डी अप टू एच तक, और यहाँ पर मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर है 1, 2, 3 अप टू 8 तक। सपोज मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो ये स्क्वायर पे कोई भी पीस होगा उसका लोकेशन होगा D5। तो आप देख सकते हो D5 मतलब ये मेरी D रो है और ये मेरे 5 नंबर D का कॉलम है और ये 5 नंबर का रो है, तो ये D5। सपोज इस स्क्वायर की बात करूं तो G3, तो आप देख सकते हो यहाँ से ये जी है और यहाँ से ये 3 है। सबसे पहले ये जो नंबर है सॉरी ये जो अल्फाबेटिकल है उसके बारे में उसका नंबर मतलब वो हम पहले कंसीडर करते हैं और बाद में नंबर कंसीडर करते हैं। तो सपोज ये स्क्वायर की बात करूँ तो F7, एज यू कैन सी आप देख सकते हो कि यहाँ से ये F और ये 7। तो आप देख सकते हो कि मैं कोई भी पीस चलता हूँ, सपोज ये मैंने पीस चला पॉन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है E4। तो ये समझना जरूरी है E4 मतलब कि ये जो मेरा पॉन है वो E4 लोकेशन में आया हुआ है। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं ये जो पोजिशन है ये पॉन को चलता हूँ तो ये पॉन ब्लैक का मेरा E5 लोकेशन में आया हुआ है। अभी वाइट का जो पॉन है वो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये मेरा लोकेशन है D4। अभी ये जो मेरा पॉन है ब्लैक वो इसको मार सकता है क्रॉस में, तो अगर मैं ये इसको मारूंगा तो E takes मतलब E5 का जो पॉन था उसने D4 नाम के पॉन को खा लिया है, मतलब उसको मार दिया है। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो क्योंकि ये सब स्टडी करना भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लो कि ये जो मेरी रानी है वो मैं इसको मारता हूँ तो यहाँ पे रानी का सिंबल आ गया है, रानी जिसने D4 नाम के पीसीस को मार दिया है। अभी यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है मतलब वो सब पॉन है। अगर मान लो कि ब्लैक बिशप यहाँ पे है और मैं इसको मारता हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंबल आ गया मेरा बिशप का मतलब ऊंट का, और यहाँ पे भी सिंबल है कि भाई ये जो वाइट का जो रानी है उसने C5 नाम ये C5 नाम के पीसीस को खा लिया है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक पीसीस है एक स्टेप चलता हूँ तो F6 मतलब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है मतलब ये पॉन का मूव पॉन एक स्टेप आगे चला है उसका ये इंडिकेट करता है। अगर मैं यहाँ से नाइट को आगे लेता हूँ तो यहाँ पे नाइट का सिंबल है तो नाइट F3, तो ये नाइट F3 लोकेशन में यहाँ पे आया हुआ है। सिमिलरली ये नाइट यहाँ पे आया हुआ है। सपोज मैं बिशप की बात करूँ तो ये बिशप यहाँ पर है, यहाँ पे मैं बिशप नहीं मूव कर सकता क्योंकि यहाँ से भी ब्लॉक है यहाँ से भी ब्लॉक है। यहाँ से मैं सपोज ये क्वीन को यहाँ पे मैं मूव करता हूँ, यहाँ पे मैं ये नाइट को मूव करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी नाइट C3। सिमिलरली यहाँ पे मैं ये नाइट को मूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो मेरा रुक है वो रुक यहाँ पे मैं मूव कर सकता हूँ, तो देख सकते हो आप रुक का सिंबल है और ये उसकी पोजीशन है। तो जो हमारे मेजर पीसीस है इस रो में वो कहीं पे भी मूव करेंगे तो उसका सिंबल आएगा। अगर सिंबल नहीं आता है उसका मतलब कि पॉन आगे चलता है। अगर ये आप देख सकते हो ये मैंने 2 स्टेप चला तो ये पॉन आगे चलता है, ये मैंने 1 स्टेप चला तो ये पॉन आगे चल सकता है, ये मैंने 2 स्टेप चला 1 स्टेप चला तो ये पॉन आगे चलता है, ये भी मैंने 1 स्टेप चला तो ये पॉन आगे चल सकता है। तो वो सब ये पॉन के बारे में है। तो यहाँ पे आप
ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है उससे आप देख भी सकते हो कि कहाँ से कौन से पीस कहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो बेसिकली ये वीडियो का पर्पस इतना ही था कि कोई भी पीस कहाँ पे लोकेट है वो आप ये ग्रिड से, मतलब ये नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज़ ये जो स्क्वायर है उसको बोलते हैं D6, ये जो स्क्वायर है उसको बोलते हैं H1, ये जो स्क्वायर है उसको बोलते हैं A1, ये जो स्क्वायर है उसको बोलते हैं A8, ये जो स्क्वायर है उसको बोलते हैं H8। वैसे आप कुछ स्क्वायर की प्रैक्टिस करो तो ताकि आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैं आपको चेस सिखाऊंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो मेरा बिशप है वो अभी जा रहा है D6 पोजीशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि D6 पोजीशन कहाँ पर है। सपोज ये मैं यहाँ पर ले जाता हूँ तो D6 पोजीशन मेरी यहाँ पर है, लाइक दैट। तो कौन से पीस कहाँ पर रखे जाते हैं और उसका रूल्स क्या है वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये चेस का बोर्ड है उसमें लोकेशन किस तरीके से फाइंड करता है वो आपको सीखना इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो आज हम इस सेशन में चेस के जो पीसेस होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है और उनका क्या पॉइंट्स रहता है वो हम डीप में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चेस में जो माइनर पीसेस जिसको बोलते हैं वो है पॉन्स, मतलब प्यादा। हर एक पॉन्स का एक पॉइंट रहता है, तो यहाँ पे टोटल 8 पॉन्स है हमारे पास, तो 8 पॉन्स का 8 पॉइंट्स रहता है, हर एक पॉइंट का एक पॉइंट रहता है, सो 1 पॉइंट फॉर 1 पॉन। उसके बाद ये जो हमारे पास रुक है वो रुक को हम मेजर पीसेस बोलते हैं। ये जो यहाँ पे जो भी पीसेस है वो सब मेजर पीसेस है और उसके आगे जो पीसेस है वो सब माइनर पीसेस है। तो रुक का जो पॉइंट रहता है वो 5 पॉइंट्स रहता है। रुक के बाद लोअर लेवल सबसे पहले अपर लेवल में आता है क्वीन। क्वीन के जो पॉइंट्स रहता है वो 9 पॉइंट रहता है, क्योंकि क्वीन कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। वो रूल्स में हम देखेंगे कि क्वीन किस तरीके से मूव करता है। तो क्वीन का जो पॉइंट है वो 9 पॉइंट्स है। 9 के बाद लोअर में जो रुक का जो पॉइंट्स है वो 5 पॉइंट है। उसके बाद नाइट और बिशप दोनों के पॉइंट सेम है, उसके दोनों के 3-3 पॉइंट रहते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी नाइट और बिशप दोनों के 3-3 पॉइंट। ये जो रुक है वो रुक का 5 पॉइंट्स और ये जो क्वीन है क्वीन का 9 पॉइंट्स। और ये जो किंग है वो मेन इम्पोर्टेंट है। अगर आप सब तरीके से चेकमेट हो गए मतलब यू आर लूज, आप कितने भी आगे हो, आप मटेरियल में कितने भी आगे हो वो कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आप चेकमेट हो गए तो आप हार गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्वीन है और ये किंग को हमें कुछ भी तरीके से बचाना है, उसको चेकमेट करने के वास्ते कुछ भी किसी भी तरीके से हमें इसको बचाना है। तो वाइट पीसेस ये ट्राई करेगा कि मैं अपने ब्लैक किंग को प्रोटेक्ट करूं और अपने वाइट किंग को प्रोटेक्ट करूं और ये जो ब्लैक किंग है उसके ऊपर अटैक करूं। और ब्लैक पीसेस है वो ये सोचेगा कि मैं अपना ये जो ब्लैक किंग है उसको प्रोटेक्ट में रखूं और ये जो वाइट किंग है उसके ऊपर अटैक करूं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास टोटल 16 पीसेस है और 16 पीसेस का हर एक पीस का क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसका पॉइंट्स है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि वन बाय वन रूल्स ऑफ ईच एंड एवरी पीसेस। तो सबसे पहले हम पॉन से स्टार्ट करेंगे कि पॉन का रूल क्या रहता है, प्यादा का रूल क्या रहता है। थैंक यू।